शहरों की तर्ज अब गांव की तस्वीर भी बदलने लगी है। गांव की गलियों में जहां आए दिन कचरे के ढेर और गंदगी नजर आती थी, मगर अब सरपंच व ग्रामवासियों की पहल से गांव की सड़कें साफ सुथरी नजर आने लगी है। वहीं गांव में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वाहन भी घर घर पहुंचकर कचरा संग्रहण कर रहे हैं, जिसे लोग अपने घर दुकान का कचरा ट्रैक्टर व ऑटो में डाल उसका निस्तारण करते नजर आ रहे हैं। वीओ हम बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले के रायपुर ग्राम पंचायत की, जहां महिमा सरपंच प्रेम देवी द्वारा पहल करते हुए अपने गांव में नववर्ष 2022 के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की नई पहल शुरू की है। अब गांव की सड़कें साफ सुथरी हो रही है तो एक ट्रैक्टर और एक ऑटो के द्वारा डोर डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें ग्रामवासी भी अपनी सहभागीदारी निभाते हुए घर दुकान का कचरा डालते नजर आ रहे हैं। तो वही आधुनिक मशीन बूमर द्वारा हर माह की अमावस्या को सड़कों को भी साफ किया जा रहा है। इस मशीन में कम पानी में सड़कें अधिक साफ सुथरी नजर आ रही हैं। रायपुर गांव के लोगों ने अपनी सहभागिता से अब कचरा सड़कों पर डालने वाले पर अंकुश लगाने का कवायद भी शुरू की गई है। अब सड़क पर कचरा डालने वालों पर पहली बार 500 रुपए का जुर्माना और फिर से उल्लंघन करने पर उसका 10 गुना यानी 5000 का जुर्माना लगाना भी तय किया है। इसके लिए गांव के सभी लोगों की सहभागिता अब रायपुर भी शहरों की तर्ज पर साफ सुथरा नजर आने लगा है। पाली जिले के नेशनल हाईवे 162 पर ब्यावर और पाली के बीच बसे एक छोटे से गांव रायपुर में 6000 परिवार निवास करते हैं, जिसकी आबादी करीबन 20,000 है। सरपंच प्रेम देवी की पहल पर शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अब दिनों दिन तीव्र गति से रायपुर में नजर आने लगा है। हालांकि अभी तक पाली जिले में 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम 2014 से आज कई ग्राम पंचायत है प्रदेश के लिए मिसाल बन चुकी है। गाँव वास्ते मशीन लाया है, पंचायत वास्ते ट्रैक्टर लेने आया है। हर माउस ने सफाई रहला और हर माउस ने सफाई रहती जावेला और आगे भी कराला और सब गाँव वालों से सहयोग है और हमारी तरफ धन्यवाद।